एक माता जी हमें मिली थी, हैं वहाँ पे एक स्थान है बोरा मंडा, तो वहाँ से माता जी बहुत घूम के वहाँ पे आना पड़ता है, जहाँ हम लोग पुस्तक वितरण इस साइड में कर रहे थे, वो माता जी इस साइड थी, तो घूम के आई, बहुत घूम के आई। तो उन्होंने बोला कि अरे ये गीता जो है मुझे चाहिए गीता। उन्होंने गीता लिया तो बोले कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं सुबह से निकली हूँ गीता लेने के लिए, और मैं कई शॉप पे गई, बहुत स्थानों पे गई, मैं सोचा कि मुझे गीता चाहिए गीता चाहिए, लेकिन कई जगह मैं गीता देख रही हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप लोगों को देखा ना तो मेरे हृदय में ऐसा लगा कि यही गीता है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। तो उसने गीता लिया और बहुत खुश हुई। जैसे कि हम लोग हैदराबाद में थे, तो हैदराबाद में मैंने एक व्यक्ति का नॉक किया, गाड़ी नॉक की, तो ऐसे देख रहे ध्यान से, मैंने बोला क्या हुआ, कह रहा मैं सपना देख रहा हूँ ये हकीकत है। तो मैंने उसको हिलाया, मैंने बोला हकीकत है, कहता अच्छा, मैंने बोला क्या हुआ, कहता रात को मेरे को सपने में कृष्ण आए, और कृष्ण ने मेरे को बोला कि तुम आज जब रोड पे जाओगे ना तो तुम्हें कुछ महात्मा लोग किताब बांटते हुए मिलेंगे, गीता देंगे तुम्हें, तुम गीता खरीद लेना। और बोला मैंने तो भूल गया, मैंने सोचा कि यार सपना था, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ यहाँ पे कई महात्मा लोग किताब बांट रहे हैं और आप मुझे गीता दे रहे हो। तो मैंने बोला हाँ मैं और भी किताबें दे रहा हूँ, कोई गीता है, कृष्णा है, और भी किताबें हैं, सब मैं देना चाहता हूँ। बोला लेकिन सर जी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? मैंने बोला अच्छा कितना पैसा है? कह रहे मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो अभी आप 500 रुपये दे दो, जब और होंगे तो बाद में दे देना। तो उन्होंने देखा यार गीता कृष्णा इतनी इतनी मोटी मोटी किताब दे रहा है तो बहुत महंगी होगी। तो बोला यार मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। मैंने बोला चलो दे दो, कोई बात नहीं यार, इसमें आप दे दो जो है दे दो। तो उन्हें 500 रुपये दे दिया।